सुपर 30 के रिलीज के पहले ही ऋतिक रोशन ने एक और फिल्म साइन कर ली है। वही फिल्म क्लासिक मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म सट्टे पे सट्टा का रीमेक होगा। इसे रोहित सेट्टी प्रोड्यूस करेंगे तो वहीं फराह खान इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगी। फराह खान और रोहित सेट्टी की फिल्म सट्टे पे सट्टा की काफी समय पहले से जो है चर्चा हो रही थी। खबर ये भी आ रही थी कि इस फिल्म के लिए फराह खान ने शाहरुख खान और कैटरीना कैफ को अप्रोच किया है, लेकिन अब खबरों की माने तो फराह खान ने ऋतिक रोशन को फाइनल किया है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो फराह खान और रोहित सेट्टी दोनों इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण हेमा मालिनी की रोल के लिए फिट हैं। आपको बताते चले कि ये पहली बार होगा जब दीपिका पादुकोण के साथ ऋतिक रोशन की जोड़ी नजर आएगी। आपको बता दें कि सट्टे पे सट्टा फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। वही दोस्तों आपको बताते चले कि इन दिनों दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छप्पाक को लेकर काफी बिजी चल रही हैं। अगर बात करें ऋतिक रोशन की तो ऋतिक रोशन अपनी फिल्म सुपर 30 को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं उसके प्रमोशंस में। वहीं इसके बाद ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ के साथ एक एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो इन प्रोजेक्ट्स के खत्म होने के बाद दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन साथ में फिल्म सट्टे पे सट्टा के रीमेक पे काम करना शुरू करेंगे। खबरों की माने तो फराह खान अभी इस फिल्म की कहानी पर काम कर रही हैं। वैसे रोहित सेट्टी और फराह खान की जोड़ी जो है वो पहली बार सामने आने वाली है और ये जरूर कुछ धमाका करेंगे, और जाहिर है कि इस फिल्म में मसाला जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके, सट्टे पे सट्टा का रीमेक को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वहीं और भी बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।